हेलो एंड वेलकम बैक टू ललिता मनहास चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ दिनों में जन्माष्टमी आने को है और जन्माष्टमी पर कृष्ण जी को धनिये की पंजीरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। आज हम वही प्रसाद की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, धनिया पंजीरी बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। धनिया पंजीरी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप धनिया पाउडर, एक कप शुगर पाउडर, एक कप मखाने, हाफ कप ग्रेटेड नारियल, 1/4 कप घी देसी घी, 8 से 10 बादाम और 8 से 10 काजू, नियर अबाउट अ टेबल स्पून ऑफ चार मग्स एंड 3 से 4 इलायची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम एक पैन में घी लेंगे, उसमें हम अपने मखाने हल्के फ्राई करेंगे। मैंने इन्हें काट लिया है, हर मखाने को 3-4 पीसेस में, अगर छोटे हैं तो 2 पीसेस कर लीजिए। आप इन्हें साबुत भी फ्राई करके टुकड़ों में पीस सकते हैं, क्रश कर सकते हैं। मैंने इन्हें काट लिया है, हल्का रंग चेंज होने तक हम इसे भूनेंगे। बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इसे बिना घी के भी भून सकते हैं, लेकिन घी में भूनने से इसका थोड़ा टेस्ट में अच्छा टेस्ट हो जाता है, इसका हल्का सा रंग बदल गया है। बस अब मैं इसे निकाल लूंगी। बादाम और काजू भी हल्का सा इनको टोस्ट कर लूंगी, बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस 1-2 मिनट के लिए। इसे भी मैंने काट लिया है इन दोनों को। इसे भी मैं निकाल लूंगी। उसके बाद हम ये नारियल जो कसा हुआ है, इसे भी हम थोड़ा सा हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज्यादा इसको भी नहीं भूनना है। चार मगज भूनने के लिए मैं हल्का सा तेल डालूंगी, सॉरी घी डालूंगी, और इसमें ये बिल्कुल ऑप्शनल है ड्राई फ्रूट, आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये चिरौंजी डालना है आपको, चिरौंजी डालिए। और मक्खी डालकर साबुत धनिया लेके उसको हल्का सा भून के और ग्राइंड भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने पाउडर लिया है, आप साबुत धनिया से भी बना सकते हैं, लेकिन उसका बहुत बारीक पाउडर आपको बनाना है। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ इसके सुगंध आने तक और हल्का कलर चेंज हो जाए तब तक इसे भूनिए। बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है धनिया की घी के साथ।
चुका है अभी। अब हम इसे भी निकाल लेंगे और गैस कर देंगे बंद। बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, 1 से 1.5 मिनट तक ये पक जाता है। अब हम सारे जितना भी हमने सामान इंग्रेडिएंट्स है सबको मिक्स करेंगे एक बाउल में। थोड़ा धनिया ठंडा हो जाए तो उसमें हम मिक्स करेंगे अपने मखाने। मखाने आप चाहें तो इसको हल्का सा क्रश भी कर सकते हैं। ये बड़ी आसानी से फ्राई होने के बाद बहुत आसानी से टूट जाता है। ये देखिए इस तरह से क्रश करके भी आप डाल सकते हैं, और इस तरह से इतने बड़े बड़े पीसेस डालना चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। साथ ही डालेंगे हम चीनी। चीनी ये आधा कप से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन पीसने के बाद 1 कप है। साथ ही डालेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स। अब चिरौंजी चाहे चिरौंजी डाल सकते हैं। इलायची पीस कर डालेंगे। बनकर तैयार है। कुछ लोग इसे चूरमा भी कहते हैं, धनिये का चूरमा, कुछ लोग पंजीरी कहते हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है धनिये की और ड्राई फ्रूट्स की। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी धनिये की पंजीरी या धनिये का चूरमा, जो भी आप इसे कहें, बनकर तैयार है। आप भी इसे आने वाली जन्माष्टमी में बनाइए और अपने कान्हा को अर्पित कीजिए। सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू सून, बाय बाय।